देखें, मुझे कल रात को हमने देखा था कि कहां तक हम पहुंच गए, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में टिकट जो हैं वो आज उनके फैसले अनाउंस हो, तादाद के अंदर मैं अगर अंदाज़ा लगाऊं तो लगभग शायद निसफ के करीब, एक तिहाई और निसफ के दरमियान टिकट अनाउंस होगा। खैर, ये तो जब तक आखिरी टिकट फाइनलाइज नहीं हो जाते उस वक्त तक चलता रहेगा मामला, लेकिन जाहिर है जो ज़्यादा हैवी रश था वो कर लिया है, हम तमाम सीटों से गुजर चुके हैं, कुछ सीटों के ऊपर फैसले महफूज कर लिए गए हैं, कुछ के ऊपर मजीद काम करने को कहा गया है, कुछ जगह तो कुछ तस्वीरें कराने, लेकिन सीटें तमाम देख ली गई हैं, तो ज़्यादा जो काम है वो हो चुका है, अब आगे कम काम है लेकिन फिर भी काफ़ी काम बाकी है। जी, मैं जनाब अपोजिशन का MNA था, तो अपोजिशन के MNA के हैसियत से होते हुए सबसे पहले तो मेरी जिम्मेदारी थी कि असेंबली के अंदर इस्लामाबाद की और अपने हलके के अवाम की आवाज़ उठाई जाए, और मुझे खुशी है कि जितने कानून साजी मैं लेकर गया इस्लामाबाद के लिए पिछले 5 साल के अंदर, वो शायद इस्लामाबाद की तारीख में, शायद नहीं यकीनन इस्लामाबाद की तारीख में कभी आज तक पहले नहीं हुआ था। उसके अलावा जाहिर है लोगों के जो काम होते हैं CDA के अंदर, सुई गैस के अंदर, बिजली के महकमे के अंदर, पुलिस के अंदर, जितने भी होते हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे कोशिश करते हैं, लेकिन ये मैं साथ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो सारा काम है वो मैं अकेला नहीं करता था। इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ की जो टीम है, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान की बेहतरीन टीम है और बड़ी मेहनत की है, और मैं इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ सारी इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि हल्के की खिदमत करने में उन्होंने मेरी जिस तरीके से हाथ बटाया और मदद की है। बिल्कुल भी नहीं, वोटर डिवाइड नहीं होगा इस वक्त, ये तो अच्छी बात है, सिर्फ एक हल्के की बात नहीं है, आप शायद जैसे देख चुके होंगे पहले हमने ये बताया भी था कि 4000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस मिली हैं तहरीक इंसाफ को, नज़र आ रहा है लोगों को, सियासतदानों को नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला अगली हुकूमत बनने जा रही है तहरीक इंसाफ की, इसलिए टिकटों के ऊपर रश लगा हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद की हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इसमें कोई शक ही नहीं है, ये सारे इमरान खान के सिपाही हैं, जब भी फाइनल फैसला कर दिया खान साहब ने, जिसके लिए भी फैसला होगा सारी टीम मिलकर उसके लिए काम करेगी। मेरे ख्याल में जी इस वक्त पाकिस्तान की कौम जो है वो देख रही है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ मुश्किलात भी हैं, और इसके साथ साथ लोगों को उम्मीद भी नज़र आ रही है कि शायद अब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, लोगों ने इस चीज़ों के ऊपर जहन लगाना है, ये किताबों शिताबों के से मेरे ख्याल में वोट बैंक में कोई नहीं फसल पड़ेगा। अच्छा, बताइएगा यार, ये भी अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन या 4 या 5। ठीक है, थैंक यू जी।